नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और एफटीआर सीरीज के आर्थिक सर्वेक्षण के प्रश्नों के संग्रह के साथ मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। पिछले वीडियो पर हमने चैप्टर वन डील किया। चैप्टर वन डील करते समय हमने ये विशेष ध्यान दिया कि सारे महत्वपूर्ण आंकड़े जो परीक्षा उपयोगी होंगे उन्हें डील कर लिया जाए। इस वीडियो पर हम चैप्टर थ्री या राज्य आय स्टेट इनकम पर बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है 2018-19 में जीएसडीपी की मौद्रिक मूल्य है, कथन दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, प्रचलित भाव पर 3.11 लाख करोड़ रुपए, स्थिर भाव पर 2.31 लाख करोड़ रुपए, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं और इन दो कथनों के आधार पर नीचे कूट रूपी कुछ ऑप्शंस भी हैं। पहला ऑप्शन कहता है एक सही, दूसरा कहता है दो सही, तीसरा ऑप्शन कहता है एक दो सही और आखिरी ऑप्शन या डी ऑप्शन कहता है दोनों ही गलत। तो इस माध्यम से या इस प्रश्न के माध्यम से ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो जब आप जीडीपी की मौद्रिक मूल्य याद करें तो प्रचलित भाव और स्थिर भाव पर अपने विशेष ध्यान को लगाए रहें। अब बात आती है कि ये प्रचलित भाव और स्थिर भाव होती क्या है जीएसडीपी की। तो इस जीएसडीपी पर या फिर जीडीपी पर प्रचलित भाव और स्थिर भाव की अवधारणा के आधारित एक वीडियो हमने यूट्यूब में डाला हुआ है जो आपको मिलेगा हमारे मोबाइल कोर्स के डेमो वाले प्लेलिस्ट पर, और वैसे ही अवधारणाओं को देखने के लिए एक बार आप मोबाइल कोर्स पर जरूर जाएंगे। चलिए, तो जब आप जीडीपी की मौद्रिक मूल्य याद रखें तो ध्यान रखें कि जीडीपी की या जीएसडीपी की जितने भी आंकड़े होंगे यह प्रचलित भाव पर भी मिलेगा और यह स्थिर भाव पर मिलेगा। हम एक ओवरव्यू अगर प्रचलित भाव और स्थिर भाव की अवधारणा पर देखें तो वह यह होता है कि जब राज्य पर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को वह मौद्रिक मूल्य के आधार पर उनकी गणना की जाती है जो वर्तमान वर्ष में प्रचलन पर है, इस आधार पर निकाला गया जीडीपी जीडीपी प्रचलित भाव या जीडीपी एट करंट प्राइस कहते हैं, और अगर वह राज्य का हो गया तो वहीं पर आप जीएसडीपी या सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहेंगे। और जब जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसकी गणना उस मौद्रिक मूल्य से की जाए जो आधार वर्ष पर हो। आधार वर्ष अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 2011-12 है। आधार वर्ष होता क्या है? आधार वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जहां पर हम यह देखते हैं कि आर्थिक गतिविधि या आर्थिक स्थिति किसी भी राष्ट्र या उस भौगोलिक क्षेत्र की एक स्थिर भाव में चल रही हो, या फिर एक स्टेबल इकोनॉमी का दौर आप वहां पर कह सकते हैं, अर्थात जरूरत से ज़्यादा उत्पादन में गिरावट ना हो रही हो, मांग कम ना रहा हो, बैंकिंग सेक्टर भी बहुत अच्छे से काम कर रही हो, आयात निर्यात भी अच्छा हो, रुपए की जो वैल्यू है वो भी जरूरत से ज़्यादा ना गिरी हो, रोजगार का सीजन भी अच्छा हो रहा होगा। तो ऐसे वर्ष को हम कह सकते हैं स्टेबल इकोनॉमिक ईयर। ऐसे वर्ष को आधार वर्ष ले लिया जाता है और वर्तमान वर्ष की स्थिति की तुलना के लिए इस आधार वर्ष को आधार बनाया जाता है। तो जब भी हम आधार वर्ष कहें तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 2011-12 है। तो जब हम जीएसडीपी स्थिर भाव कहते हैं तो यही आपका रियल जीडीपी भी कहलाता है या वास्तविक जीडीपी भी कहलाता है। वास्तविक जीडीपी ये क्यों कहलाता है? क्योंकि जब आप जीएसडीपी या जीडीपी की आप स्थिर भाव पर बात करें तो ये वह मौद्रिक मूल्य होता है जिसमें आपने मौद्रिक मूल्य को स्थिर मान लिया था आधार वर्ष के आधार पर। आपने मुद्रा स्फीति के जो भी कारक थे उसको आपने सम्मिलित नहीं किया, और जब मुद्रा स्फीति के कारक या फिर वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत को आपने सम्मिलित नहीं किया है तो आप देखेंगे कि आपकी जो जीएसडीपी की मौद्रिक मूल्य है वो मुद्रा स्फीति से प्रभावित नहीं होगी और वास्तविक आंकड़े आपको दिखा रही होगी। इसलिए जीएसडीपी स्थिर भाव पर या कॉन्स्टेंट प्राइस पर आप इसे ही रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी भी कह दें। प्रचलित भाव पर निकाला गया जीएसडीपी, इसमें मुद्रा स्फीति सम्मिलित होती है और कई बार उत्पादन कम होने के बावजूद भी वस्तुओं की कीमत ज़्यादा होने के कारण हमें यह जीडीपी जरूरत से ज़्यादा दिखने लगती है। चलिए, अब इस प्रश्न का हम सही ऑप्शन चुनते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन दोनों ही है, क्योंकि प्रचलित भाव पर 3.11 लाख करोड़ रुपए और स्थिर भाव पर 2.31 लाख करोड़ रुपए जीएसडीपी की मौद्रिक मूल्य है 2018-19 के अग्रिम अनुमान पर छत्तीसगढ़ के। तो इस आधार पर हमारा सही ऑप्शन होता है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही। चलिए, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कहता है 2018-19 में जीएसडीपी वृद्धि दर रही।
तो ठीक जिस प्रकार से आपने मौद्रिक मूल्य को प्रचलित भाव और स्थिर भाव के आधार पर देखा, ठीक उसी प्रकार आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा जब आप वृद्धि दर को भी प्रचलित भाव और स्थिर भाव के आधार पर देखेंगे। वृद्धि दर GSDP की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वृद्धि दर चाहे वो औसत वृद्धि दर हो, चाहे वो वर्तमान के वर्ष की वृद्धि दर हो, या एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि GSDP की या GDP की वृद्धि दर उस समूचे भौगोलिक क्षेत्र के समूचे आर्थिक वृद्धि दर को ही दर्शाती है। कैसे होता है तो ज़रा हम समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि GSDP वह मौद्रिक मूल्य है जो किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को दर्शाती है। मान लेते हैं कि यह मौद्रिक मूल्य पिछले साल 100 रुपये रही और इस साल यह आप देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि 10% की वृद्धि हुई, अर्थात इस वर्ष 110 रुपये की हम GSDP देखते हैं। तो जब आप इस एग्जाम्पल को देखें तो आप देखेंगे कि विगत वर्ष में जितने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ था, इस वर्ष उतने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है और 10 रुपये का अन्य वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। तो ये जो GDP वृद्धि दर है 10% सिर्फ क्या वस्तु और सेवाओं के अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि को दर्शा रहा है? तो नहीं, ये पूरी अर्थव्यवस्था के वृद्धि को भी दर्शाएगा। कैसे? अगर आप यह देखें कि 10% अन्य वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है तो यह उत्पादन रोजगार के अवसर पर भी परिवर्तित होगा और रोजगार से बहुत सारे लोगों की आय होगी और बाजार में हम इस आय का डिमांड देखेंगे और इस डिमांड से पुनः उत्पादन या GSDP निर्मित होगी। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह जो आय यहाँ पर निर्मित हुई, इस आय से अर्थव्यवस्था के सारे चक्र चलने लगेंगे, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में बचत हो और बैंकिंग सेक्टर से निकला हुआ निवेश हो, या सरकार की आय हो अर्थात लोगों से सरकार तक जो आय पहुंचती है सरकार की, और सरकार के व्यय या देश के अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो संबंध है वह भी यहाँ पर निर्मित होता हुआ दिखेगा। तो GSDP की जो वृद्धि दर है सिर्फ अतिरिक्त वस्तु और सेवाओं की वृद्धि दर नहीं दर्शाता, अपितु ये पूरे अर्थव्यवस्था के सारे घटकों के चक्र को भी बढ़ते हुए दिखाता है। तो इसलिए जब भी वृद्धि दर के बारे में आप सोचें कि GSDP की वृद्धि दर पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है, तो बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी पर आधारित यह जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जब आप यह प्रश्न देखते हैं तो 2018-19 में GSDP वृद्धि रही है। पहला कथन कहता है प्रचलित भाव पर 6.08%, दूसरा कथन कहता है स्थिर भाव पर 9.66%। अगर आप इसके स्टेटमेंट को देखें तो ये दोनों ही गलत हो जाता है क्योंकि आंकड़े बदल दिए गए हैं। प्रचलित भाव पर जो वृद्धि दर यहाँ पर है वह है 9.66% और स्थिर भाव पर यह वृद्धि आपको 6.08 दिखेगी। तो जब आपसे पूछा जाए वास्तविक वृद्धि दर तो आप समझ जाएंगे कि स्थिर भाव के वृद्धि दर के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। जब आपसे पूछा जाए मात्रात्मक वृद्धि दर तो भी आप समझ जाएंगे कि यह प्रचलित भाव की वृद्धि दर आपसे पूछा जा रहा है। दो प्रश्नों को हमने देख लिया जहां पर हमने GSDP की मौद्रिक मूल्य और GSDP की वृद्धि दर, प्रचलित भाव और स्थिर भाव क्रमशः हमने समझा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है 2018-19 में GST में क्षेत्रवार भागीदारी है। GSDP को हम 3 क्षेत्रों पर विभाजित करते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इन क्षेत्रों पर GSDP के मौद्रिक मूल्य पर क्या भागीदारी प्रतिशत है उस पर आधारित ये अगला प्रश्न है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? हम इस भागीदारी से देखते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है या हमारे देश में जो वस्तु और सेवाओं की मांग है या उनके उत्पादन है, उनमें सबसे ज़्यादा भागीदारी किस क्षेत्र का बनता है। जब हम किसी भी क्षेत्र का यहाँ पर विश्लेषण कर लेते हैं तो जो भी आवश्यक हमें वहाँ पर नियोजन करना हो उसे भी हम बेहतर तरीके से नियोजित कर सकते हैं। तो चलिए पहला कथन कहता है स्थिर भाव पर कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में 17.21%, 47.17% और 35.63% क्रमशः अनुमानित है। वहीं दूसरा प्रश्न ठीक इन्हीं सारे क्षेत्रों को प्रचलित भाव में दर्शाता है। आप इसे एक कॉलम के रूप में भी अपने पास में रख सकते हैं जहां पर आप तीनों क्षेत्रों को 1, 2, 3 करके रखें। एक तरफ आप स्थिर भाव की भागीदारी लिख लें और दूसरी तरफ प्रचलित भाव की लिख लें।
जब हम इस प्रश्न पर आते हैं तो हमें पहला कूट सही दिखता है, एक और दो सही, क्योंकि ये दोनों ही कथन सही हैं। आपको ये प्रश्न डिस्कस कराने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार आप इसे रिवाइज कर पाएं आसानी से। इन प्रश्नों को सॉल्व करवाने का उद्देश्य हमारा होता है कि जो भी आंकड़े आप लोगों ने पढ़े हैं वो बहुत ही आसानी से आराम से आप रिवाइज करते चलें, ताकि आपके ब्रेन में अगर कहीं पर वो छुप चुका है तो फिर से रिटेन होकर वो आपके सामने आ जाए और एग्जाम तक आप उसे याद रख सकें। चलिए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं अगले प्रश्न से। प्रश्न है, 2018-19 में राज्य का प्रति व्यक्ति आय है, तीन कथन दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण पर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े के तीन आधार पर दर्शाए गए हैं। प्रति व्यक्ति आय होता क्या है? तो जो भी राज्य की आय होगी, अर्थात जो भी मौद्रिक मूल्य होगा, जब उसे राज्य के समस्त नागरिकों पर बराबर बराबर बांट दिया जाए तब हम उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तीन आधारों पर दिया गया है। एक दिया गया है जब GSDP की मौद्रिक मूल्य से जनसंख्या विभाजित किया जाए, एक दिया गया है जब NSDP की मौद्रिक मूल्य को जनसंख्या पर विभाजित किया जाए, और एक है आपका स्थिर भाव पर जो GSDP की मौद्रिक मूल्य है उसे नागरिकों तक या जो राज्य के निवासी हैं उन्हें वितरित किया जाए। तो ये तीन प्रकार के आंकड़े हैं और इन्हीं तीन प्रकार के आंकड़ों पर तीन प्रकार के कथन यहाँ पर दिखाए गए हैं। कथन एक, प्रचलित भाव प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर 1,08,058 रुपये है। यह पहला कथन कौन सा प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा है? जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मौद्रिक मूल्य को जनसंख्या में विभाजित किया गया है और प्रचलित भाव पर। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, प्रचलित भाव निवल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर 80,376 रुपये है। और तीसरा कथन कहता है, स्थिर भाव प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर 96,887 रुपये है। अब इन स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो दो स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि जो NSDP के आधार पर निकाला गया है, जो प्रचलित भाव NSDP पर है वह 96,887 है, और जो स्थिर भाव पर GSDP के आधार पर प्रति व्यक्ति आय है वह 80,376 है। तो इस आधार पर जो स्टेटमेंट 2 है और स्टेटमेंट 3 है, इन दोनों के ही आंकड़ों को एक दूसरे में बदल दिया गया है, और इस आधार पर अगर सही ऑप्शन चुनना हुआ तो सिर्फ एक ही कथन सही है, जो पहला कथन जिस पर हमने सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 1,08,058 रुपये होने की बात कही थी। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 2018-19 अग्रिम अनुमान में छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव का प्रतिशत वितरण सर्वाधिक किस क्षेत्र का रहा? अर्थात सारे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के जो विभिन्न घटक होंगे उन घटकों पर हमें यह भी देखना होगा कि किसकी भागीदारी ज़्यादा थी और किसकी न्यूनतम रही। ये इस प्रकार के ट्रेंड को भी CGPSE ने अपने परीक्षा पर दिखाया है। एक चीज़ और, जब छात्र इन आंकड़ों को पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज दिखते हैं कि 2017-18 का पढ़ें, 18-19 का पढ़ें, ये अग्रिम अनुमान क्या होता है, ये त्वरित अनुमान क्या होता है, इन सारे चीज़ों पर फंसे रहते हैं। तो ज़रा उसकी एक छोटी सी व्याख्या देख लेते हैं। जब आप अग्रिम अनुमान देखें, जैसे अभी वर्तमान पर आप आर्थिक सर्वेक्षण में 2018-19 पर हर जगह अग्रिम अनुमान सबसे लेटेस्ट डाटा देख रहे होंगे। 18-19 यह वित्तीय वर्ष जब चल रहा था और जब ये आर्थिक सर्वेक्षण आया, आर्थिक सर्वेक्षण जब आया या जब आंकड़े इकट्ठे किए गए इस किताब पर लिखे जाने के लिए, तब यह वित्तीय वर्ष पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था, कुछ शेष रह गई थी अवधि, और उस शेष रह गई अवधि पर भी कुछ हमने अनुमान लगाया। अर्थात आप नाम से समझ सकते हैं कि अभी आपकी वो अवधि समाप्त नहीं हुई है और आपने एडवांस में ही एस्टिमेट कर लिया कि 2018-19 में इतने आंकड़े हमको प्राप्त होने वाले हैं, तो इसलिए आप इसे एडवांस एस्टिमेट कहेंगे या अग्रिम अनुमान कहेंगे। अब बात आती है क्विक एस्टिमेट या त्वरित अनुमान किसे कहते हैं। जब भी कोई एक आंकड़े होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर, किसी एक विशेष क्षेत्र का हमें बहुत जल्दी से आंकड़ा निकालना हुआ, तो आप उसे क्विकली आप सिर्फ उसी क्षेत्र को के आंकड़े आप इकट्ठे करेंगे और इसे ही आप कहेंगे त्वरित अनुमान या त्वरित आंकड़े। कई जगहों पर आपको
रिवाइज एस्टिमेट भी दिखेगा। पुनरीक्षित अनुमान इसका क्या अर्थ होता है कि जो आंकड़े एक बार निकाले जा चुके थे उसे फिर से रिवाइज कर अपडेट कर दर्शाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये एडवांस एस्टिमेट और क्विक एस्टिमेट यह राष्ट्रीय आय के आंकड़ों पर सामान्य रूप से देखने को मिलता है। रिवाइज एस्टिमेट, प्रोविजनल एस्टिमेट और बजटरी एस्टिमेट मुख्य रूप से बजट वाले आंकड़ों में आपको देखने को मिलता है। इन शब्दों के बारे में और विशेष तौर पर जब बजट और चैप्टर 5 डील करेंगे तब एक बार और चर्चा कर लेंगे। तो चलिए इस प्रश्न पर बढ़ते हैं कि सर्वाधिक प्रतिशत वितरण यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है सर्वाधिक प्रतिशत वितरण किस क्षेत्र का रहा है। चार ऑप्शन है, खनन, उत्खनन, विनिर्माण, फसलें, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। आपको सारे क्षेत्रों का क्या वितरण पढ़ना है? नहीं, सिर्फ शुरू के 3-4 आप पढ़ लें तो आपके लिए वो पर्याप्त होगा। इन ऑप्शन के आधार पर अगर देखें तो खनन पर, माइनिंग पर हमें प्रतिशत वितरण प्राप्त होती है 11.18%। अगर आप जो बी ऑप्शन पर है विनिर्माण की बात करें तो यह प्रतिशत वितरण हमें प्राप्त होती है 18.49%। और अगर आप तीसरे ऑप्शन पर दिए गए फसलों की बात करें तो यह है 11.07%। और विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी पर यह वितरण आपको देखने को मिलेगा 8.56%। और इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी अर्थात विनिर्माण। विनिर्माण का सबसे अधिक यहाँ पर प्रतिशत वितरण देखा गया है GSDP स्थिर भाव पर। चलिए अब इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न देखते हैं। 2018-19 में छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव का प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक किस क्षेत्र का रहा? मतलब यह जो प्रश्न अभी हमने डील किया पिछला, वह प्रश्न आधारित था प्रतिशत वितरण का और यह प्रश्न आधारित है प्रतिशत वृद्धि पर कि किस क्षेत्र पर सबसे सर्वाधिक वृद्धि 2018-19 में देखी गई। भागीदारी और वृद्धि दर पर कभी भी आप प्रतिशतों को जोड़ने देंगे, उन्हें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे अपने आप को। तो चलिए यहाँ पर भी आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला मछली उद्योग, दूसरा परिवहन, फिर निर्माण और फिर उसके बाद डी संचार एवं प्रसारण। तो इसका जो आंसर है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मछली उद्योग का जो प्रतिशत वृद्धि है वह है 6.10%। परिवहन का 9.39%, निर्माण का 6.10%, और संचार एवं प्रसारण का यह देखने को मिल रहा है 12.25%। इस प्रकार से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर बनता है। और आप अब यह समझ गए कि सर्वाधिक जो प्रतिशत वृद्धि है वह संचार एवं प्रसारण का है, और जो आप देख रहे थे कि प्रतिशत वितरण सर्वाधिक किस पर है तो आपने देखा कि वह विनिर्माण पर हमको देखने को मिला है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के विभिन्न आधारों पर वृद्धि के संबंध में सही विकल्प चुने। कथन एक कहता है, प्रति व्यक्ति आय 2018-19 अग्रिम अनुमान में प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 7.92% वृद्धि देखी गई है। दूसरा कथन कहता है कि प्रति व्यक्ति आय 2018-19 अग्रिम अनुमान में स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 4.39% वृद्धि दर्शाता है। और ये दोनों ही कथन सही हैं और आप ऑप्शन ए यहाँ पर टिक कर लें, एक और दो दोनों सही। इसका अर्थ ये है कि प्रति व्यक्ति आय के मौद्रिक मूल्य के साथ कितनी प्रति व्यक्ति आय पर वृद्धि दर दर्ज की गई है ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, GSDP स्थिर भाव कृषि क्षेत्र 2017-18। ध्यान दीजिएगा ये 18-19 नहीं 2017-18 पर पूछा जा रहा है। और कौन से आंकड़े? अग्रिम अनुमान नहीं, त्वरित अनुमान। त्वरित अनुमान जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी अगर कोई आपने आंकड़े निकाले हुए हैं और जब आप उसका क्विकली फिर से रिवीजन करते हैं, क्विकली एस्टिमेशन करते हैं, तब आप उसे त्वरित अनुमान के आंकड़े कहेंगे। तो प्रश्न है, GSDP स्थिर भाव कृषि क्षेत्र 2017-18 त्वरित अनुमान में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है। पूछ रहा है कि कृषि क्षेत्र में जितने भी उसके घटक होते हैं अर्थात फसल, मत्स्य पालन, वानिकी और पशुपालन, इन घटकों में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस वाले घटक पर हमें देखने को मिली। तो चलिए इसका हम आंकड़े जरा देखते हैं, फिर उस आधार पर हम सही ऑप्शन चूज करेंगे।
तो अगर हम देखें तो फसलों पर वृद्धि दर्ज की गई है -5.52%। वहीं अगर आप मत्स्य पालन का बात करें, फिशरीज की बात करें, तो यह वृद्धि दर्ज की गई है 21.33%। अगर वानिकी का प्रतिशत वृद्धि देखें तो यह दिखेगा 3.49%। और अगर चौथा देखें, अंतिम घटक जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होता है, तो उसका मिलेगा आपको 6.22%। इस आधार पर मत्स्य पालन अर्थात मत्स्य पालन पर सबसे सर्वाधिक वृद्धि यहाँ पर देखी गई है और आपका ऑप्शन 2 इस प्रकार से सही ऑप्शन बनता है। चलिए अब ठीक इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न ठीक इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र पर आधारित है। प्रश्न कहता है GSDP स्थिर भाव उद्योग क्षेत्र 2017-18 त्वरित अनुमान में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है। तो जैसा कि आपको पता है कि उद्योग क्षेत्र में कौन कौन से भाग आते हैं, तो निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत और जल आपूर्ति। अगर आप त्वरित अनुमान 2017-18 के आधार पर देखें तो सर्वाधिक वृद्धि यहाँ पर दर्ज की जाती है खनन एवं उत्खनन वाले क्षेत्र से, जो कि है 7.01%। विद्युत, गैस और जल आपूर्ति पर यह प्रतिशत वृद्धि है 3.29%। और विनिर्माण वाले क्षेत्र पर यह है 4.94%। और निर्माण वाले क्षेत्र पर यह है 2.65%। तो इस प्रकार से जो सही ऑप्शन इस प्रश्न का आपका बनता है वह अंतिम ऑप्शन खनन एवं उत्खनन। चलिए अब हम आते हैं अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है परंतु कृषि क्षेत्र में नहीं। प्राथमिक क्षेत्र, जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वह आर्थिक गतिविधि जिसमें प्रत्यक्ष तौर से प्रकृति से आपका संबंध बने वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि क्षेत्र इसे सामान्य बोलचाल पर कह दिया जाता है क्योंकि सबसे बड़ा प्रतिशत भागीदारी इसमें कृषि क्षेत्र का होता है। अब हम इस जानकारी के आधार पर सही ऑप्शन को पहचानते हैं। ऑप्शन ए फसल, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी वनोद्योग, ऑप्शन डी खनन। तो अगर आप देखें तो ये सारे ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्र के दिखते हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष तौर पर प्रकृति से जुड़े हुए हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र के अंदर खनन वाला भाग नहीं आता, उसमें केवल फसल, पशुपालन और वनोद्योग और आप मत्स्य पालन को भी जोड़ सकते हैं, हालांकि वो ऑप्शन पर नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा यह अंतिम प्रश्न भी सॉल्व हुआ। इतने प्रश्नों को देखने के बाद आपसे एक छोटी सी बात, ध्यान रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण के सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को और उन्हीं आंकड़ों को यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है जिसके आधार पर CGPSC ने अपने किसी भी एग्जाम पर कभी प्रश्न बनाए थे या बनाए होंगे। और साथ ही यह भी ध्यान दिया जा रहा है कि आपको पैटर्न समझाया जाए, एक प्रकार के पैटर्न पर हो सकता है कि दूसरे आंकड़ों को भी इस्तेमाल करके प्रश्न पूछा जाए, या फिर जो पैटर्न आपको समझाया जा रहा है उसी पैटर्न के आधार पर वो सारे चैप्टर को भी आप एक बार ज़रूर देखें। इस वीडियो का उद्देश्य आपको बहुत तेजी से अपने याद किए गए हुए फैक्ट्स को याद करवाना है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस कार्य में हम सफल हो रहे होंगे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।